नमस्कार, सुनीतास किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रेड क्रम्स पोटैटो कटलेट बनाएंगे। हमने ब्रेड से केक बनाया था, उसके कॉर्नर्स हमारे पास बच गए थे, उसका हम क्रम्स बनाकर इसमें हम कटलेट में यूज करेंगे। तो चलिए ये कैसे बनाया जाता है देखते हैं। ब्रेड क्रम्स पोटैटो कटलेट हम बनाना शुरू करते हैं। इन आलुओं को हमने उबाल लिया है और अब हम इसे छील लेते हैं। इन आलुओं को हमने छील लिया है, अब हम इसे कद्दूकस कर लेंगे। उबले हुए आलू को हमने ये कद्दूकस कर लिया है, अब हम इसे इसमें मसाले मिलाना शुरू करते हैं। आधा चम्मच जीरा, नमक स्वाद अनुसार, हरा धनिया, हरी मिर्च, इसको हमने बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। अदरक का टुकड़ा है, इसको हम कद्दूकस कर लेंगे। आप चाहें तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। ये दो बड़े चम्मच हरी मटर है, हरी मटर को हम उबाल लेंगे। इन मटर को हमने पहले से उबाल लिया था, अब हम इसे डालेंगे इसमें। लाल मिर्च पाउडर, मिर्च आज अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा आप तीखा खाते हो। एक छोटा चम्मच चाट मसाला, ये आधे कटोरी हमने ब्रेड क्रम्स लिया है, इसको हमने मिक्सी में पीस लिया है और इसको सूखी कढ़ाई में हमने इसको भून लिया है। अब हम इसको इसमें मिला देंगे। आप इसमें ये ज़रूर डालिए, इसे बहुत ही अच्छा क्रंची टेस्ट आता है, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर डालकर बनाएं। एक चम्मच हमने कसूरी मेथी लिया है, इसे आप डालिए, इस तरह से क्रश कर डालिए। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से हाथ से मिला लेंगे ताकि सारी चीज़ें एक जैसी मिल जाएं। ये देखिए सारी चीज़ें मिलकर तैयार हैं, ये एक डो जैसा बन गया है। ये हमने दो बड़ा चम्मच अरारोट लिया है, आप इसकी जगह मैदा भी ले सकते हैं, और इसका हमें घोल तैयार कर लेना है। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसका घोल तैयार करेंगे। इसमें बहुत थोड़ा सा नमक भी डाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से इसका घोल तैयार कर लेना है। ये ब्रेड क्रम्स को हमने थोड़ा रोक लिया था क्योंकि जो कटलेट है उसको इसमें कोट करेंगे। अब ये जो आलू का हमारा मिश्रण कटलेट का तैयार था, इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे और मन चाहा आकार आप जैसा चाहें जो भी आकार देना चाहें दे सकते हैं। यहाँ पर हम टिक्कियों का आकार देंगे। इस तरह से आप थोड़ा सा लें और घोल करें और फिर ऐसे प्रेस कर दें। ये देखिए इस तरह से इसको चिकना कर लें ताकि ये देखने में सुंदर लगे। और फिर ये जो हमने अरारोट का घोल बना रखा था, इसमें डुबोएंगे और ये जो ब्रेड क्रम्स रखा था इसमें कोट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये बनकर तैयार हो गया है। इसी तरह से हम सारे कटलेट तैयार कर लेंगे। एक बार फिर हम आपको कर दिखा देते हैं। ये देखिए ये कटलेट लिया हमने और इसमें इसको डिप किया और फिर इसे निकाल लिया और इसको ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लेंगे। ये देखिए सारे कटलेट हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इसको फ्रीजर में 10 मिनट के लिए रख देंगे ताकि ये ऊपर से सेट हो जाए। तब हम इसे, आप चाहें तो इसे डीप फ्राई कर सकते हैं, चाहें तो इसे सैलो फ्राई भी कर सकते हैं, जैसा आप चाहें। कटलेट को हमने फ्रिज से निकाल लिया है। ये देखिए ये सेट होके तैयार हो गए हैं। अब हम इसे कुछ कटलेट को हम डीप फ्राई करेंगे और कुछ को सैलो फ्राई करेंगे। कढ़ाई चढ़ा दिए, कढ़ाई में तेल डाल दिया है। कढ़ाई तेल को हमें मीडियम गर्म करना है, बहुत हाई नहीं करना है, बहुत लो नहीं करना है। अब हम एक एक कर इसमें डालेंगे। हर तरफ से हमें इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। ये देखिए नीचे से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे पलट देते हैं। ये देखिए दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन हो गया है, ये फ्राई होके तैयार है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। आप ये मत सोचिए कि ये तेल बहुत पीला है, क्योंकि हमने इसको स्लरी में कोट किया है, इसलिए ये तेल नहीं पिएगा। और आप इसे फिर निकाल लीजिए।
आप इसको जरूर बनाएं। जरूरी नहीं है कि आप इसमें चाट मसाला डालें, चाट मसाला की जगह आप नींबू का रस या अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। और सब्जियां हमने इसमें मटर डाली है, आप इसकी जगह गाजर भी डाल सकते हैं और शिमला मिर्च भी काट कर डाल सकते हैं। जो लोग प्याज खाते हैं वो प्याज भी काट कर डाल सकते हैं। ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा बनकर तैयार है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। अब थोड़े से कटलेट को हम सैलो फ्राई करेंगे। थोड़ा सा हमने सारा तेल निकाल लिया, थोड़ा सा रहने दिया है। अभी इसमें कटलेट डालेंगे। इसको भी हम दोनों तरफ से सेक लेंगे, ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। देखिए ये वाले कटलेट भी हमारे बनकर तैयार हैं, अब हम इसे निकाल लेते हैं। ब्रेड क्रम्स पोटैटो कटलेट हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है। कुछ को हमने सैलो फ्राई किया है, कुछ को हमने डीप फ्राई किया है। आप इसे जरूर जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। आप इसे शाम की चाय के साथ इंजॉय करिए। ये हमारी कटलेट हमारी डीप फ्राई है और ये सैलो फ्राई है। पोटैटो कटलेट हमारा बनकर तैयार है, बहुत ही अच्छा बना है। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा और बताइएगा कि ये आपको कैसा लगा। ये शाम की चाय या सुबह के नाश्ते में आप इसे बनाकर खा सकते हैं। इसे पहले से बनाकर भी रख लें फ्रिज में और इसे जब खाना हो तो जब आप इसे तल लें या कम तेल में आप इसे बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।